जीवन एक अमूल्य निधि है दोस्तों, जिसका सुरक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। अज्ञानता और असावधानी से हम किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी रूप से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, लेकिन यदि हम किसी भी काम को सावधानी पूर्वक करें और उसे समझ कर करें तो हम दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में कई तरह के मशीनों का निर्माण हो चुका है, लेकिन इन मशीनों के निर्माण ने कई तरीकों के काम को बहुत जल्दी और आसान कर दिया है और कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इन मशीनों के द्वारा कई तरह के दुर्घटनाएं भी होती हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस चीज से हमें जितने फायदे होते हैं, नुकसान उससे दुगना होता है, अर्थात जिस चीज से हमें फायदे होते हैं उससे नुकसान भी होना जरूरी है। लेकिन अगर हम कोई काम सावधानी पूर्वक करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे, तो दुर्घटनाएं तो कम होंगी ही, उस मशीन का भी उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिशियन क्लास में। आज हम आपसे बात करेंगे दोस्तों सुरक्षा सावधानी के बारे में, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। कैसा लगा इंट्रोडक्शन? अच्छा ही लगा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब सुरक्षा सावधानियां। सुरक्षा सावधानियां, इसका हिंदी मतलब होता है ना दोस्तों, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आज आपसे पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हम करते हैं, यानी कि सुरक्षा से सावधानियां करते हैं, वो सुरक्षा और बचाव, हम आज दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारे दुर्घटनाएं होते हैं कार्य क्षेत्रों में, प्रयोगशालाओं में, इनके क्या कारण होते हैं और इन कारणों से जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं के क्या उपाय करें, क्या उनसे बचाव करें कि हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ और अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशंस, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आइए इन पॉइंट्स को हम समझाने की प्रयास करते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा लिखा हुआ कारण, मतलब जो कार्यशालाओं में अज्ञानता के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो दुर्घटनाएं का कारण क्या क्या आते हैं, मैंने बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसलिए ताकि कोई पॉइंट्स आपसे छूटे नहीं और आप उसके बारे में अनभिज्ञ न रहे, है ना। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, औजार उपकरण मशीन कार्य करने के तरीकों का पर्याप्त ज्ञान ना होना। अर्थात अगर हम कोई काम उपकरण की सहायता से करते हैं, मशीनों की सहायता से करते हैं, औजारों की सहायता से करते हैं, लेकिन अगर हमें उस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, उस उपकरण का उपयोग कैसे करना है, उस औजार को कैसे समझना है, उसका क्या काम है, अगर हमें इस चीज का पता नहीं है, तो हमें दुर्घटना होने का कारण एक हो सकता है ना। इसके बाद जानकारी नहीं होने पर भी मशीनों को चलाना, अब बताइए, जैसा कि पहला पॉइंट से बताया अज्ञानता के कारण, तो अगर आपके पास किसी भी मशीन की जानकारी बिल्कुल नहीं है, आपको अगर उस मशीन का नाम तक भी पता नहीं है, तो आपको उस मशीन को छूने का कोई अधिकार भी नहीं है। अब नाम तो छोड़िए, अगर उस मशीन का नाम जानते हैं आप, लेकिन आप उस मशीन को चलाने बिल्कुल नहीं जानते, तो आपको उस मशीन को बिल्कुल नहीं छूना है, उस मशीन को आपको चलाना नहीं है, है ना। इसके बाद कार्य जल्दी करने की उत्सुकता। अब देखिए ये पॉइंट्स ऐसा पॉइंट्स है जो कि हर नए नए कर्मचारी जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति नया नया किसी कंपनी में ज्वाइनिंग लिया है, तो उसके अंदर एक भावना आती है कि मैं किसी भी काम को जल्दी करूंगा, सबसे पहले करूंगा, लेकिन यही उत्सुकता उसके लिए दुर्घटना का कारण बन जाती है। हमें क्या करना है कि हमें कोई काम करे तो धैर्यता पूर्वक करना चाहिए, जल्दबाजी कोई काम नहीं करनी चाहिए, ये एक दुर्घटना होने का कारण होता है दोस्तों।
है ना। अगर हम कोई काम सावधानी पूर्वक करते हैं तो हमें दुर्घटना से बच सकते हैं। इसके बाद कार्य में रुचि ना होना। ये देखिए, अगर आपको किसी काम में करने में बिल्कुल रुचि नहीं है तो आप सदा तुरंत कह दीजिए कि हमको ये काम नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा। अगर आपको काम करने में रुचि नहीं है, आप उस काम को किए जा रहे हैं और बाद में क्या होगा कि आपको दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, आपको गहरी चोट लग सकती है ना। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आवश्यकता से अधिक मेहनत करना, एक पॉइंट ये भी है दुर्घटना होने का कारण। जैसे देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं कि आवश्यकता से अधिक मेहनत से अधिक ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, मतलब ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन शरीर हमारा एक ऐसा चीज है जो काम करते करते थकता है, ऐसे आराम भी देना होता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें मेहनत करना होता है, आवश्यकता से अधिक ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, नहीं तो हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद होता है कार्यस्थल पर वातावरण सही नहीं होना। अब देखिए, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, जहां पर भी काम करते हैं वहां का अगर वातावरण सही नहीं है, वेदर सही नहीं है, तो क्या हमें काम करने में सहूलियत होगी? नहीं, बिल्कुल सहूलियत नहीं होगी। हमें काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। काम करने में मन लगना, किसी भी काम प्रोडक्शन का अधिक देना, अपना उत्साह बढ़ाना वातावरण पर डिपेंड करता है ना दोस्तों। तो काम करने वाले जो क्षेत्र होते हैं, वातावरण जो होते हैं, अनुकूल होने चाहिए। किसके? काम करने वाले कर्मचारियों के, है ना। इसके बाद बोलता है उचित औजारों मशीनों का अभाव होना। ये एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर हम किसी कार्य क्षेत्र पे काम करते हैं तो वहां काम करने के लिए हमें विशेष प्रकार के औजारों का, उपकरणों का, मशीनों की जरूरत होती है। और इन मशीनों का अगर उपयोग हम करेंगे तभी तो उस क्षेत्र में काम कर पाएंगे जिस चीज की हमें काम करना है। तो अगर काम करने के लिए उन विशेष प्रकार के मशीनों का अभाव होता है तो भी हम दुर्घटना का शिकार होते हैं, है ना। यूनिफॉर्म का प्रयोग नहीं करना। ये देखिए, अगर आप यूनिफॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आप कार्यशालाओं में, प्रयोगशालाओं में, कंपनियों में चले जाते हैं तो क्या होगा, आपको दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे और आप क्षतिग्रस्त हो जाएंगे बहुत ज्यादा। इसीलिए हर कंपनी का एक अलग नियम होता है कि आपको एक यूनिफॉर्म देती है, उस यूनिफॉर्म को आपको पहनना होता है। तो अगर आप नहीं पहनते हैं तो आप दुर्घटना का कारण हो जाते हैं। इसके बाद कार्य करते समय अनुशासन में रहना, अनुशासन में नहीं रहना। अगर आप काम कर रहे हैं, आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति बिना अनुशासन के कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप में अनुशासन है, अगर आप बहुत छोटा पद पे भी काम करते हैं, अगर आप में अनुशासन है तो आप बड़े से बड़े पद पर काम करने वाले लोगों को भी पीछे कर सकते हैं। क्योंकि जीवन की एक मूल नीति भी है अनुशासन। अनुशासन में रहकर कोई से छोटा व्यक्ति बहुत बड़ा बन सकता है, विद्वान बन सकता है, ठीक है। टेंशन में ना, टेंशन में होना। अब देखिए, जैसे कि आप कोई काम करने गए और वहां पर घर का टेंशन, घर का तनाव, ये सब चीजें लेकर चले गए तो आपको काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान काम पर रहेगा ही नहीं और आपका दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे और आप तो नुकसान होंगे, कंपनी का भी बहुत नुकसान होता है ना। तो इन सभी चीजों का जो कारण है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे कि इन दुर्घटनाओं से बचाव या उपाय क्या है जिनका पालन करके हम दुर्घटनाओं को बहुत हद तक या काफी हद तक रोक सकते हैं, ना के बराबर दुर्घटनाएं कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं अपनी क्लास टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है उपाय। यानी कि इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या उपाय कर सकते हैं और हम दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं। मन को एकाग्रता बनाए रखना मेरा पहला पॉइंट। इसको मैंने पहले से लिखा क्योंकि कोई भी काम करने से पहले मन एकाग्रता होना चाहिए। बिना मन के एकाग्रता के हम कोई काम करें तो हमें वो काम ही अच्छा नहीं होगा। हम कितना भी करना चाहें लेकिन आप अच्छे करने की कोशिश करेंगे, काम आपका बिगड़ता चला जाएगा, है ना। तो ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। आपको काम करते समय एकाग्रता होना चाहिए, यानी कि
आप जिस काम को कर रहे हैं आपका पूरा ध्यान उसी काम की तरफ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद प्राथमिक उपचार और आग बुझाने का ज्ञान होना, मतलब अगर आप किसी कंपनी में, कार्यशालाओं में, प्रयोगशाला में, वर्कशॉप में काम करते हैं तो अगर आपके पास प्राथमिक उपचार का ज्ञान है और आग बुझाने का ज्ञान है तो आप एक अच्छे परफेक्ट कर्मचारी हैं, क्योंकि प्रयोगशालाओं में, कार्यशालाओं में इन सभी चीजों की जरूरत हमेशा पड़ते रहती है। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है प्रयोगशालाओं में, तो हमें आग बुझाने का ज्ञान होगा तब ना। हमने जब पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको, उसमें हमने आग बुझाने के और आग के प्रकार के बारे में भी आपको बताया था, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। और आपको प्राथमिक उपचार के बारे में भी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। सुरक्षा किट का प्रयोग करना, हाँ देखिए, अगर आप किसी कार्यशालाओं में, कंपनियों में काम करते हैं तो आपके लिए सुरक्षा किट बहुत जरूरी है। सुरक्षा किट जिसमें होता है क्या कि यूनिफॉर्म आते हैं, बहुत से उपकरण आते हैं जो कि हमारे शरीर को बचाने के लिए पहने जाते हैं, वो सुरक्षा किट कहलाते हैं। सुरक्षा चिन्हों का प्रयोग करना, ये जो चिन्ह होते हैं ये ऐसे ऐसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। बड़ी मशीनों में उसमें तरह तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं कि यहाँ पर आपको नहीं छूना है, ये निषेधात्मक चिन्ह है, ये सुरक्षात्मक चिन्ह है, ये सभी चीजें करनी होती है। प्रत्येक औजारों को टूल की टूल में ही रखना, अर्थात जो हमारे पास औजार होते हैं, काम जिससे हम करते हैं, उपकरण होते हैं, उन सभी चीजों का उपयोग करके आपको उस मशीन को, टूल्स को उसके बॉक्स में ही रखना होता है, इधर उधर नहीं फेंकना होता है, है ना। इधर उधर फेंकने से क्या होगा, वो आपको पैर में लग सकता है, हाथों में हो सकता, चुभ सकता है, तो आप दुर्घटना के शिकार होंगे ना। तो उसको बचाने के लिए आपको औजारों को उसके बॉक्स में, टूल की टूल में ही रखना होता है, है ना फ्रेंड्स। प्रत्येक मशीन के सहारे खड़ा नहीं होना, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे देखिए कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां बड़ी मशीनें होती हैं और मशीनें कार्य कर रही हैं, उसमें मशीनें चल रही हैं, लेकिन अगर हम उस मशीनों के सहारे अगर इस प्रकार से हाथ रख के काम करेंगे, उस पर अपना प्रतिलोड देंगे, तो क्या होगा, हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो इन चीजों को हम नहीं करके दुर्घटना के बचाव कर सकते हैं। नशीली पदार्थों का प्रयोग नहीं करना, नशीली पदार्थ जो होती हैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इन सभी चीजों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये क्योंकि बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, इससे आपका ध्यान भटकता है। क्योंकि हमने शुरू में एक पॉइंट बताया, मन को एकाग्रता करना बहुत जरूरी है। अगर आप मन को एकाग्रता नहीं करेंगे तो आप दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। और ये जो नशीली पदार्थें होती हैं ये मन को भटकाने का काम करती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इसे रोक लगाया गया है। कार्यशालाओं में, प्रयोगशालाओं में नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों का उचित भंडारण करना चाहिए, जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आते हैं मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और भी जैसे जूट की बोरियां, ये सब जो चीजें होती हैं, इन सब का भंडारण ऐसे शीतलन जगह पर करना चाहिए जहां पर इनका सुरक्षित भंडारण होता हो। प्रयोगशालाओं में इनका बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए भंडारण का, है ना। इसके बाद प्रयोगशाला में फिटिंग वस्त्र पहनना, हमने जैसे कि इसमें बताया था इस पॉइंट 8 नंबर में कि यूनिफॉर्म का प्रयोग न करना, यूनिफॉर्म का प्रयोग नहीं करने से आप दुर्घटना का कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म में भी फिटिंग वस्त्र पहनते हैं तो ही आप दुर्घटना का से बच सकते हैं। कैसे, कि अगर आपने यूनिफॉर्म पहन लिया वो आपके साइज का बिल्कुल नहीं है तो क्या हुआ, आप दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे ना। इसीलिए यूनिफॉर्म में भी जो आपके साइज का आए यूनिफॉर्म, वही यूनिफॉर्म आपको पहनना है, आपके शरीर में फिटिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी हम दुर्घटना से बच सकते हैं। ये सभी उपाय कर सकते हैं। और मेरा लास्ट है, विद्युत मशीनों पर खतरों का चिन्ह अवश्य लगाएं, जैसे कि विद्युत मशीनें जितनी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलती हैं, उन सभी चीजों में बहुत तरह की मशीनें आती हैं, उन सभी मशीनों में, विद्युत के मशीनों में सुरक्षा के चिन्ह लगाने चाहिए, खतरों का चिन्ह लगाना चाहिए,
ताकि उस चिन्हों को हम समझकर पढ़कर हम उस मशीनों का पास नहीं जाएंगे और तब हम दुर्घटना से बच सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आज मैंने आपसे दुर्घटनाओं का कारण और उनसे बचने के उपाय के बारे में चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप भी अपने दोस्तों के बारे में शेयर करेंगे, उन्हें इस बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी के बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि मैं जो नया वीडियो अपलोड करूंगा उससे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, है ना फ्रेंड्स। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अब हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।